टीम इंडिया इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर है और यहाँ टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज को अपने नाम कर लिया है। अब दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, इसके बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी। इसी बीच हार्दिक पांड्या फैंस के लिए एक बेहद ही बुरी खबर है। T20 और वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद अब पांड्या को टेस्ट सीरीज से भी बाहर कर दिया गया है। हार्दिक पांड्या के फैंस इस उम्मीद में बैठे थे कि टेस्ट सीरीज में उनकी वापसी होगी, लेकिन ताज़ा खबर यही है कि हार्दिक टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। एशिया कप के दौरान हार्दिक को चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने IPL और विश्व कप तो खेला था, लेकिन बाद में उन्हें अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ और फिर हार्दिक को लंदन में अपनी पीठ की सर्जरी करवानी पड़ी। इसके बाद से हार्दिक टीम इंडिया में वापसी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लग पा रही है। न्यूजीलैंड दौरा खत्म होने के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। यदि हार्दिक इस सीरीज से पहले फिट हो जाते हैं तो शायद उन्हें टीम में जगह मिल जाए, लेकिन इसके लिए हार्दिक पांड्या के फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें।